दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीछे बीते कुछ महीनों से ईडी पड़ी हुई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन जारी कर चुकी है, मगर अरविंद केजरीवाल एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। ऐसे में ईडी ने एक और मामले में समन जारी कर दिया, अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए समन भेजा। अधिकारियों के अनुसार अरविंद केजरीवाल को आज यानी सोमवार 18 मार्च को एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी कार्यालय में अधिकारियों के सामने पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया। धन शोधन रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को बुलाया गया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किए गए। अरविंद केजरीवाल इस मामले में अब तक 8 समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। 55 साल के अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 9वां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए कोर्ट तक पहुंच चुकी है। बहरहाल आम आदमी पार्टी इसे अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की बैकअप योजना करार दिया है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में इन कार्रवाई के मकसद पर चिंता व्यक्त की और कहा है, कोई नहीं जानता कि दिल्ली जल बोर्ड मामला क्या है। ऐसा लगता है कि किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार कर उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार करने से रोकने की बैकअप योजना है। दरअसल अब इसके साथ ये भी समझ ली गया आखिर ईडी का आरोप क्या है। डीजीपी मामले में ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार के विभाग द्वारा दिए गए ठेका में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आपको कथित तौर पर चुनावी फंड के रूप में भेजा गया था। ईडी का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें तकनीकी पात्रता मानदंड न पूरे न करने पर डीजीपी की ओर से एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को दिए गए 38 करोड़ रुपए के ठेका में अनियमितताओं का आरोप है। इस मामले में 30 जनवरी को गिरफ्तार किए गए लोगों में डीजीपी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल शामिल हैं। ईडी ने दावा किया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके ठेका हासिल किया और अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी थी कि कंपनी तकनीकी पात्रता पूरी नहीं करती। यह दूसरा मामला जिसमें आप पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। ईडी ने दावा किया है कि 2021-22 की आबकारी नीति से अर्जित धन का इस्तेमाल पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया था। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर।